भाई साहब ने सब कुछ बना दिया, फैन बना दिया, चार्जिंग लाइट बना दिया, और आज बनाएंगे ये पीसी। इसमें प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम देखेंगे फिर और इसको फिक्स करेंगे। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखा दें कि इसमें प्रॉब्लम, पावर ऑन कर रहे हैं, ये नो सिग्नल इसमें आ रहा है और ये फिर वापस से सारा चीज़ बंद हो जा रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं फिर से ये इसको, मतलब ये पावर सेविंग मोड में चला जा रहा है। एक ही तरीका है, चाहे डिस्प्ले पर नो सिग्नल आए, चाहे डिस्प्ले पर नो सिग्नल आए, या फिर लिखे पावर सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड हो या ये रहा नो सिग्नल या फिर पावर सेविंग मोड। ऐसे जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, ये बस तीन कारण से होता है। पहला कारण इसमें जो होता है कि इसका रैम सपोर्ट नहीं करता है, और दूसरा कारण होता है इसका वीजीए केबल। तो हम वीजीए केबल चेक कर लेंगे। हम वीजीए केबल दिखा देते हैं कैसा होता है वीजीए केबल। ये रहा ये वीजीए केबल, ये सीपीयू के पीछे लगेगा और ये मॉनिटर के पीछे लगेगा। ये वीजीए केबल जो ग्राफिक्स को ट्रांसफर करता है सीपीयू टू मॉनिटर में। तो हम देखेंगे कि कौन सी गड़बड़ी है। और एक कारण होता है मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड पहले नहीं चेक करेंगे, हमारे दो प्राइमरी काम करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे वीजीए केबल, इस केबल को चेक करेंगे, बदल के देखेंगे, और दूसरा इसका रैम देखेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसका प्रॉब्लम को फिक्स करके। तो ये हमने सीपीयू खोल लिया है। अब सीपीयू हमारा सबसे पहला काम है रैम को निकालना, हमें रैम को ही साफ करना है। तो रैम को साफ करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो ये दो पिन होते हैं, इसको आपको प्रेस करना है ऐसे, ये याद रखें, इस तरीके से पकड़ के नहीं उठाना है, वरना ये आपका मदरबोर्ड टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। इसको आपको ये जो पिन्स है उसको ऐसे करके हटा देना है, और ये आप वापस आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा ये रैम। तो अब रैम को पहले हम साफ करते हैं, और साफ कैसे करते हैं, इसके लिए आपको चाहिए एक इरेजर, जिसको हम बोलते थे मिटरी, ये इरेजर है। इरेजर को आपको इस तरीके से इसमें साफ करना है, इसको बस आराम से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं ये रैम टूट सकता है। तो आपको एकदम धीरे धीरे आराम से एकदम करके इसी तरीके से इस तरह भी कर देंगे इस तरफ। फिर आपको किसी साफ कपड़े से ये इस तरीके से ऐसे साफ कर देना है, इस तरीके से, इस तरीके से साफ कर देना है। वापस से फिर इसको इसी स्लॉट में लगा देना है। याद रहे स्लॉट में ये जो कटा हुआ भाग है, ये इसके कटे हुए भाग पर ही मैच करना चाहिए, नहीं तो ये स्लॉट में नहीं सही से बैठ पाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगा दे रहे हैं, ये रहा। और आपको वापस से ऐसे प्रेस कर देना है, बस ऐसे दाब देना है, ये इस तरीके से, थोड़ा इसमें स्लॉट में टाइट जा रहा है, ये इस तरीके से कर देना है, और ये देखिए बैठ जाएगा। अब हम फिर से इसको चालू करके देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है या नहीं हो पाई है। ये हम फिर से पावर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो पाई है या नहीं हो पाई है। एक चीज़ और, जब आपका रैम सपोर्ट नहीं करेगा तो इसमें कोई भी LED ग्लो नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर ग्लो करने लगी, इसका मतलब हमें कुछ लग रहा है कि हाँ ये काम कर गया। ये देखिए ये हमारा काम कर रहा है, रैम काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। देखिए 1.80 GHz का इसमें लगा हुआ है। अब हम इसको, ये हमारा हार्डवेयर पोर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका, हम इसके बायोस सेटिंग में जाते हैं डेल बटन दाब के। चलिए देखते हैं कि इसका हार्ड डिस्क सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो सब हम आपको दिखाते हैं। तो नीचे आएंगे, एडवांस सेटअप में जाएंगे यहाँ पर, और देख लेंगे हार्ड डिस्क हमारा, ये यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, ये मतलब प्रेजेंट है, ये लिख रहा है यहाँ पर, तो है। फर्स्ट डिवाइस हम बूट देख रहे हैं, इनेबल है, ठीक है। सेकेंड डिवाइस बूट, ये भी ठीक है, सही चल रहा है सब। अब हमें क्या करना है कि कीबोर्ड का बटन प्रेस करना है, F10 प्रेस करके आपको एंटर कर देना है, मतलब ओके पर। आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसको सेव करना है तो ओके करके एंटर कर देंगे। ये देखिए अब वापस से हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है, फिर से नो सिग्नल आ रहा है, ये चालू हो जाएगा अभी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए बूटिंग प्रोसेस हो रही है। अब ये हमारा पाएगा विंडो नॉर्मली, हमको स्टार्ट करना है विंडो 7 पर, हम स्टार्ट करके देखते हैं। ये स्टार्ट विंडो नॉर्मली, ठीक है, कर देते हैं। हमारा विंडोज स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी नो सिग्नल की वो अब सॉल्व हो चुकी है। जी हाँ, विंडो स्टार्टिंग्स विंडो, ये पासवर्ड लगा हुआ है इसमें, जिनका ये कंप्यूटर है हम उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि इसमें पासवर्ड है क्या। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको।